हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आपको बहुत ही सुंदर क्रोकेट का पैटर्न बनाना बताऊंगी। इसके लिए देखिए, मैंने 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ये हेक्सागोनल पैटर्न है, और प्लस 7 7 मैंने बनाकर रखा है। बाद में इसे ज्वाइंट करना बताऊंगी। और अगर आपको हमारा ये डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि वीडियो अपलोड होने का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी डिज़ाइन। देखिए, क्रोकेट की ये डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने 7 चेन डाली है, और इसके लिए मैंने 9 नंबर का क्रोकेट यूज़ किया है, क्योंकि ये 4 प्लाई ऊन है। पर जो ये डिज़ाइन मैंने बनाई है, इसे हम 2 प्लाई के ऊन में बनाए हैं। देखिए, एक लॉक कर दिया, और अब हम इसमें हेक्सागोनल पैटर्न है, इसलिए हमें 24 डबल क्रोकेट बनानी है, यानी 4 के मल्टीपल्स में। और हम इस तरह 4 के मल्टीपल्स में 24 डबल क्रोकेट बनाकर कंप्लीट करेंगे। 24 हमने बना लिया है, और अब देखिए, हम इसके स्लिप स्टिच के द्वारा जॉइंट कर लेंगे यहाँ। फिर हम यही बनाएंगे। देखिए, ये वाला पोर्शन, ये डबल क्रोकेट हमें बनाना है, तो इस पे ही हम 1 2 3 यहाँ मैंने जॉइंट कर दिया है। और अब मैं इस वाले से ही स्टार्ट कर दूंगी। 1 2 3 चेन बनाया, और फिर इसके अंदर इंसर्ट करके 1, ये 2 हो गया, ये 3 हो गए। 3 टाइम्स हमें डबल क्रोकेट बनाना है, और फिर 3 चेन लेना है। 1 2 3 चेन लेना है, और हमें 4 स्किप करना है। 1 2 3 4 ये मैं 4 स्किप की, यानी 5th में हमने इंसर्ट करके इसे बनाया, क्योंकि ये पैटर्न हेक्सागोनल बनना है, तो हम इस तरह बनाएंगे। इस तरह हम 1 2 इस थ्रेड को हम बाद में काट देंगे, अभी हम बना लें। ये 3 हो गए, फिर हम 1 2 3 4 स्किप किए, 5th वाले में इंसर्ट किया। इस तरह करते हुए हम पूरा अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए, मैंने ये राउंड कंप्लीट किया। अब हम 3 चेन लेकर इस वाले में, ये जो 3rd चेन ऊपर की है, इसमें इंसर्ट करके हम इसे स्लिप करके लॉक कर देंगे। पूरा देखिए, लॉक हो गया हमारा राउंड में। और अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर से फिर हम यहाँ ही एक बार कर लिए हैं लॉक। अब हम यहाँ 1 2 3 चेन बनाएं, और इसके बाद हम इस वाले में, मतलब ये जो 3 हमारे हैं बने हुए डबल क्रोकेट, उनके तीनों के ऊपर से हमें एक एक बार डबल क्रोकेट बिना चेन लिए बनाना है। उसके बाद फिर इस गैपिंग में, जो 3 चेन वाली गैपिंग है, इसमें हम 1 2 एंड 3 बनाएंगे। फिर हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3, और फिर इस पर हम 1st वाले पे बना रहे हैं। 1 चेन 2 चेन, इसमें मैं छोटी छोटी टिक्कियां भी बनाकर बताऊंगी, और आप चाहें तो इसको थोड़ा बड़ा भी बना सकते हैं। और मैंने सिर्फ 4 जाली की बनाई है, आप 5 से 6 जाली की बना सकते हैं। पर 4 जाली के बनाने पे जो फ्लावर है, इसकी पंखुड़ियाँ बड़ी खूबसूरत आती हैं,
और देखिए ये जो है हमारी साइज ये यहाँ जाके होगी, तो ये देखिए एक पंखुड़ी तैयार हो गई और फिर ये यहाँ से ऐसे बनती चली जाएगी और बहुत ही सुंदर लगती है। देखिए सेकेंड राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है और अब इस पे तीन चेन बनाकर फिर हम इस वाले जो थ्री चेन से स्टार्ट किया था उसमें इंसर्ट करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। फिर हम स्टार्ट करेंगे 1 2 3। हमेशा आपको थ्री पैटर्न ही बनाना है, मतलब थ्री डबल क्रोकेट ही बढ़ानी है और थ्री चेन, चाहे आप जितनी भी बड़ी स्टिक्की को करिए या डिज़ाइन को करिए, पर आपको थ्री ये हो गया फोर, क्योंकि फाइव सिक्स हो गए, अब नाइन हो जाएंगे ये डबल क्रोकेट क्योंकि थ्री बढ़ेगा इसमें। ये और फिर थ्री चेन ही हम बढ़ाएंगे और देखिए इसके बाद ये देखिए 1 2 बना हमारा, अब ये थर्ड बन जाएगा, तीसरी जाली बन रही है और एक जाली बना लीजिए। आप चाहें तो तीन जाली पे ही अपनी टिक्की को क्लोज कर सकते हैं, अगर आप फोर प्लाई ऊन से बना रहे हैं तो तीन जाली पर ही क्लोज कर दीजिए क्योंकि टिक्की की साइज़ बहुत बड़ी हो जाएगी और खूबसूरती उतनी अधिक नहीं लगेगी। और जब हम टू प्लाई से बनाते हैं या थ्रेड से बनाते हैं तो फोर फाइव जाली बना लें। देखिए ये पैटर्न हेक्सागोनल बनता जाएगा और फिर हम यहाँ थ्री डबल क्रोकेट बना लेंगे। इस पैटर्न को बनाना बहुत ही आसान है और बहुत खूबसूरत होता है, अगर आप चाहें तो सिंगल भी इस पैटर्न को बना सकते हैं। देखिए ये, और मैं इसको आपको ज्वाइंट करना बताऊंगी। ये टिक्कियां मैंने रखी हैं कुछ, इसे हम ज्वाइंट करेंगे। ये मैंने एक प्लेन बना रखी है लाइट कलर में, ये रॉन्ग साइड मैंने लिया है एक यहाँ और इसे हम ज्वाइंट करेंगे इस वाले से, देखिए इस वाले पोर्शन पे यहाँ रखकर, और हम इसे लेंगे और एक नॉट बना देंगे। ये नॉट मैंने बनाया और एक हम नॉट बना देंगे। बाद में इस बड़ी साइज का जो थ्रेड है इसे हम कट कर देंगे और ये देखिए हम क्या करेंगे, इस वाले एक चेन के अंदर और दूसरे चेन के अंदर मिलाते हुए इसे हम सिलेंगे। सिंपल सिलाई आपको करनी है, एक चेन से दूसरे चेन में डालना है और फंदे को ऐसे सिल लेना है। देखिए ये जितने चेन फंदे होंगे हमें उतने फंदों में डालना है। जैसे ये हमने इसमें चार जालियां बनाई हैं, 4 8 12 16, तो 16 टाइम हमें इसे इस तरह करके ज्वाइंट करना है और इसके सारे पोर्शंस पे हमें ज्वाइंट करना है। देखिए इस तरह हम सिलेंगे और इस तरह, और इस पोर्शन पे आएंगे तब मैं फिर आपको बताऊंगी। डिजाइन की लास्ट में आए हैं पर हम क्या करेंगे, इस चेन को तोड़ेंगे नहीं, इस चेन के अंदर से हमें इस तरफ अपनी थ्रेड को ले जाना है, मींस दूसरी साइड जो इसके सेकंड पोर्शन है वहां।
बिना तोड़े ही हम इस तरह चेन के अंदर से निकालते हुए ले जाएंगे। और देखिए ये हमारा राइट है और इसे हम पलट कर रॉन्ग साइड ले आ रहे हैं। हम इसमें से किसी भी टिक्की का पोर्शन लेकर ज्वाइंट कर सकते हैं। देखिए मैं दिखा रही हूँ, ये हमारी बीच वाली है, ये हमारी साइड वाली है। तो हम साइड वाले को ये वाले फर्स्ट वाला और यहाँ का लेकर इसे ज्वाइंट करेंगे। ये ज्वाइंट कर देंगे, यहाँ से ये ज्वाइंट हो जाएगा। फिर हम ये पोर्शन ज्वाइंट करेंगे, उसके बाद ये जो सिक्स पोर्शंस हैं यहाँ, ये हम ज्वाइंट कर देंगे सब में। पहले ये साइड के, या तो आप पहले ही इनको राउंड को ज्वाइंट कर लीजिए, बाद में साइड के कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं चलिए आपको बीच का ही ज्वाइंट करके दिखा दे रही हूँ। देखिए ये हम यहाँ गए हैं, तो हम क्या करेंगे, इस चेन से फिर ऐसे थ्रेड डालते हुए इस पर आ जाएंगे। ये हमारा पोर्शन आ गया। अब हम बीच वाली जो है हमारा क्रोकेट का पैटर्न, उसे हम ज्वाइंट कर लेंगे। देखिए ये थ्रेड हम निकाल ले रहे हैं, और अब हम इसका ये पोर्शन ले लेंगे। ये यहाँ राउंड में आ गया। हम इसके फर्स्ट वाले से और बीच वाले के फर्स्ट में डालते हुए पूरी इसकी जो जितने डबल क्रोकेट हैं सबको हम सिल देंगे, यानी स्टिच करके हम यहाँ आएंगे। यहाँ फिर हम चेन के अंदर से निकालते हुए इस पोर्शन को सिलेंगे, फिर चेन के अंदर से निकालते हुए यहाँ आएंगे, इस पोर्शन को सिलेंगे। इसे ज्वाइंट करने के बाद हम आपको बता रहे हैं इसका कॉर्नर बनाना। कॉर्नर बनाने के लिए देखिए हम यहाँ पर अपनी थ्रेड को डालेंगे ऐसे क्रोकेट को। इसके लिए मैंने क्रोकेट पतली ली है क्योंकि ऊन हमारा काफ़ी पतला है। पहले मैंने आपको बताया था मोटी क्रोशिया से। देखिए अब मैंने 4 नंबर की थ्रेड वाली क्रोशिया ली है जो 1.25 है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 उसके बाद हम 11, 12, 13 लिए और फोर्थ वाले में हम इंसर्ट करके इस पे डबल क्रोकेट बनाएंगे। देखिए 1 हुआ 2 हुआ, ये 2 हो गया। उसके बाद फिर हम 1, 2, 3 चेन बनाएंगे और इसके अंदर से इंसर्ट करते हुए ये। फिर हम लाकर इस वाले में लॉक करेंगे। ये हो गया यहाँ, ये देखिए अब ये पूरी तरह कवर हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये हो गए। देखिए 10, और हम इसे इस तरह नाप भी लेंगे ताकि ये, फिर हम इसी के अंदर इंसर्ट करेंगे ये। उसके बाद मैं क्या करूँगी, देखिए ये हमने कर दिया। अब हम फिर ये वाले चेन में साइड वाले में डालते हुए हाफ क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए 1 हमने बनाया, 2 बनाया, 3 बनाया, ये 3 हो गए। और चौथे वाले में हम क्या करेंगे, ऐसे लपेटेंगे और ये चौथा जब बनाएंगे तब इसमें फिर हम अपनी झालर बनाएंगे। 1, 2, 3, 4,
फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन और थ्री एक्स्ट्रा टू थ्री बनाकर फोर्थ में हम इंसर्ट करेंगे, डबल क्रोकेट लेंगे टू टाइम्स वन और टू, ये लिया मैंने टू टाइम्स और उसके बाद वन टू थ्री चेन लिया, एक बार हमने इस पर डाला और इसे लॉक किया। ये देखिए इसका छेद थोड़ा बड़ा लग रहा है, इसलिए फिर हम इसके साइड से ऐसे क्रोकेट डालेंगे और इसका जो होल है उसे कवर कर देंगे। ये हो गया, फिर हम रिवर्स में चले जाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन जाकर फिर हम इसके अंदर सेम में इंसर्ट करेंगे क्रोकेट और इसी तरह हम अपनी पूरी डिज़ाइन को देखिए कंप्लीट करेंगे। जैसे ये मैंने दो बनाया है इसी तरह कंप्लीट बना लेंगे राउंड करके। मैंने अपने इस पैटर्न की झालर बनाकर तैयार कर दी है और इस पर देखिए मैं एक फ्लावर लगाऊंगी। ये फ्लावर मैंने माचिस की तीलियों से बनाया है जिसका मैं आपको लिंक दे दूंगी। और ये झालर हमारी देखिए बहुत खूबसूरत बनकर तैयार हुई है। आप चाहें तो इसे दुपट्टे पे भी बना सकते हैं, सेम उसी तरह बनाइए जैसे मैंने इस थालपोस के साइड में बनाया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट क्रिएशन के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।